चुन चुन करके बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को बिहार के लोग मदद करने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। कश्मीर में जिस तरीके से बिहारियों को आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतारा जा रहा है, उससे न केवल बिहार के लोगों के मन में आक्रोश पैदा होता जा रहा है, बल्कि यहाँ की सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। नेताओं की तरफ से लगातार भारत सरकार को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं, जिसमें वो भारत सरकार से अलग अलग तरीके की मांग और शिकायतें सामने रख रहे हैं। कहीं से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में बिहार के लोगों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, तो वहीं अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें वो भारत सरकार से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भारत सरकार को बिहार के लोगों से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद है, किसी भी तरीके की अगर वो मदद चाहते हैं, तो उन्हें एक बार बस ये कह देना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग कश्मीर में बैठे अपने भाइयों के लिए भी तुरंत खड़े हो जाएंगे मदद का हाथ लेकर। हम प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप एक बार सुनिए। इस सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी कश्मीर घाटी में हत्याएं हो रही है, उग्रवादी लोग काफ़ी सक्रिय हैं। वैसे परिस्थिति में खास करके ऐसा लगता है कि चुन चुन करके बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है, और तीन चार मामले ऐसे आए हैं मिस्टर पासवान के साथ साथ, तो हम लोग काफ़ी इससे दुखी हैं और चिंतित हैं कि आखिर ये कब तक चलते रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को बिहार के लोग मदद करने को तैयार हैं, ताकि वहाँ बिहारियों की जो हत्या हो रही है वो रोकी जा सके। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी किस तरीके से अपने बयान में ये कह रहे हैं कि ऐसा लगने लगा है कि कश्मीर में बिहारियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, और बिहार के लोगों को लगातार कश्मीर में मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको याद दिला दे कि बीते कुछ दिनों में अब तक चार ऐसे लोग जो बिहार से कश्मीर को गए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है आतंकियों ने, और ये संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोगों के मन में इसे लेकर काफी ज्यादा खौफ भी पैदा हो रहा है, बिहार के लोग भी जो है काफी ज्यादा घबराए भी रहे हैं, आक्रोशित भी हो रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से भी भारत सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। कुछ ऐसे लोग जो अभी कश्मीर में आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए, उनके परिवार को सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन लगातार जो संख्या है उन लोगों की जिन्हें कश्मीर में आतंकियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसीलिए बिहार में भी जो सियासत है इसे लेकर अब गर्म होने लगी है। नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें वो ये चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद कश्मीर में बिहार के लोगों को अब चुन चुन कर निशाने पर लिया जा रहा है, सेलेक्ट करके टारगेट करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, और ये बात जो है सबके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गई। और ऐसे में उन्होंने भारत सरकार से आग्रह भी किया है कि अगर उन्हें बिहार के लोगों से, बिहार सरकार की तरफ से किसी भी मदद की उम्मीद है, कोई भी मदद अगर वो चाहते हैं, तो उन्हें बस एक बार अपनी बात कह देनी चाहिए, बिहार के लोग कश्मीर के अपने भाइयों के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे मदद का हाथ लेकर। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कश्मीर की घाटी में हत्याएं हो रही है और उग्रवादी लोग काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में खास करके ऐसा लग रहा है कि चुन चुन कर बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है, और ये जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं बिहार के लोगों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक है, काफी ज्यादा दुखदायी भी है। ऐसे में वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि कश्मीर में आगे भी आने वाले दिनों में भी बिहार के ही लोगों को टारगेट करके मौत के घाट उतारा जाएगा। और एक बड़ा सवाल वो ये भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये स्थिति बनी हुई रहेगी। कश्मीर में वो लोग जो 370 हटने के बाद वहां पहुंचे थे बिहार से, इस उम्मीद के साथ कि वहां वो रोजगार अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ राशि कमा कर अपने घर को भेज पाएंगे, वैसे लोगों को मौत के घाट लगातार उतारा जा रहा है, जिससे बिहार में जो है अब एक खौफ का माहौल पैदा होने लगा है, आक्रोश पैदा होने लगा है लोगों के मन में इस चीज को लेकर। और अब भारत सरकार से भी यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नेता है, वो अपील कर रहे हैं। अब तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।